हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्पाटिका पे एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय गुलाब के ऊपर है। गुलाब झाड़ीदार कटीला एक पुष्पीय सुंदर पौधा है जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसके ऊपर मैं कई सीरीज लेकर आने वाला हूँ, लेकिन आज प्रथम सीरीज में हम आपको बताएंगे कि गुलाब की पोटिंग कैसे करें, उसकी पोटिंग मिक्स कैसे तैयार करें, कितने बड़े गमले में हम उसको लगाएं, जिससे हमें सुंदर सा सुंदर पौधा और फूल मिल सके। दोस्तों, गुलाब सबको प्रिय है। ये एशियाई मुल्क का पौधा है। इसकी लगभग 100 प्रजातियां हमारे एशियाई मुल्क में पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां हमें बाहर के देशों में भी मिलती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको हम नेताजी कह सकते हैं, गार्डन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से अथवा लव के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसके ऊपर की पंखुड़ियाँ रेड कलर की तथा नीचे की पंखुड़ियाँ आपकी वाइट कलर की होती हैं। इसमें भी कई कलर आते हैं, कहीं बिल्कुल येलो रहते हैं, नीचे पीला होता है। तो आज हम इसी लव के पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको हम बताएंगे कि कैसे हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। कल ही ये पौधा मैं नर्सरी से खरीद कर लेकर आया, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर डालकर दिखाऊं। दोस्तों, पौधे को लगाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, सबसे सुंदर मीडिया क्या होती है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बहुत से यूट्यूबर बहुत से प्रकार की जानकारी देते हैं कि गुलाब को ऐसे मिट्टी में लगाना चाहिए, ऐसी चीज़ों मीडिया में लगाना चाहिए जो आगे बढ़े, लेकिन वो मीडिया आपके लिए संभव नहीं हो पाती इकट्ठा करना। तो आज हम बिल्कुल सरल और सहज तरीके से आपको गुलाब की मीडिया के बारे में जानकारी देंगे, जो चीज़ें आपके आसपास हमेशा मौजूद रहती हैं। दोस्तों, यदि आप गुलाब लगाना चाहते हैं, गुलाब के प्रेमी हैं, तो मेरा आज का वीडियो पूरा बिना स्किप किए हुए देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको गुलाब लगाने के लिए एक हमें 10 इंच का पॉट चाहिए। 10 इंच का पॉट वो हो जिसमें बेल ड्रेन सॉइल हो, बेल ड्रेन छेद होनी चाहिए। इन छेदों को आप कदाप न ढकें। कुछ लोग इसको खप्पे से बताते हैं ढक देना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इन छेदों को कदाप न ढकें। इसमें जितने भी छेद हैं उतने अच्छे हैं। अगर आप और दूसरे तरह का गमला यूज करते हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 छेद कर लें, तब उसके ऊपर आप कोई खपटा या कोई चीज़ पत्थर वगैरह रख करके उसको बंद कर सकते हैं। हम इसको कुछ भी बंद नहीं करेंगे। ये पूरा देख लीजिए आप, पूरा चौड़ा अंदर से इसकी गहरान देखिए। इसमें गुलाब को डेवलप होने का, गुलाब की जड़ों को डेवलप होने का पूरा मौका मिलेगा। अब आपको हम बताते हैं कि गुलाब में क्या क्या चीज़ें आप डालें जिससे आपकी मिट्टी पोरस बनी रहे और गुलाब में पानी ना रुके। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि गुलाब में पानी नहीं रुकना चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए कि जैसे ही हम पानी डालें, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर या बहुत जल्दी हो तो 2 मिनट के अंदर सारा पानी इसके नीचे से, गमले के नीचे से निकल कर निकल जाए। तो आज आपको क्या क्या चीज़ें इसमें लेनी है, ये सबसे पहले मिट्टी लेनी है आपको, जो आपके घरों में, आपके खेत में, आपके आसपास होती है। मिट्टी को थोड़ा साफ कर लीजिएगा, मिट्टी में कोई चीज़ रहने ना पाए। और इसके बाद आपको ये लाल वाला मोरंग लेना है। ये आप देख रहे हैं ये धान की भूसी है, मिट्टी को पोरस बनाने के लिए। धान की भूसी नहीं है आपके पास में तो उसके जगह कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बर्मी कंपोस्ट है। शुरुआत के लिए हम आपको इन्हीं सारी चीज़ों का प्रेफर करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ मेरे पास और है जो गुलाब को बहुत पसंद है, हालांकि आपको लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ये सेंडर है, लोहे के पत्थर के टुकड़े हैं, इनको भी अदा इसमें मिला देते हैं तो गुलाब को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा और गुलाब आगे की ओर तेज़ी से मिलेगा। तो आज हम इन्हीं 5 चीज़ों को आपस में मिलाते हैं। ये सेंडर है, हाँ, इनकी मात्रा कितनी रहेगी, ये 30% रहेगा, ये 30% रहेगा,
और बाकी सब आप 10% 10% और 20% कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जानिएगा 30% नोट कर लीजिएगा, 30% 30% 60 हो गया और ये हो गया आपका 10% 70 हो गया और ये आपका हो गया 10% 80 हो गया और 20% आप ये मिट्टी को पोरस बनाने के लिए आप ले सकते हैं, जिसको हम सेंडर बोलते हैं। सेंडर आपको कहाँ से मिलेगा? आसपास के जो लोहार होते हैं, जो लोहे वगैरह का काम करते हैं, कोयला गर्म करते हैं, बाकी हिस्सा छोड़ देते हैं, वो ले आइए। नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप सेंडर मंगा सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मिट्टी मिला देंगे हम। ये मैंने मिट्टी मिला दी, जगह थोड़ा कम है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अभी मैं जगह बनाता हूँ आपको। ये मैंने मिट्टी मिला दी, मिट्टी मिलाने के बाद फिर क्या करेंगे हम, मोरंग मिलाएंगे। सबसे पहले मिट्टी के बाद मोरंग मिलाएंगे, पूरा मोरंग डालेंगे, जितना मोरंग हम डालेंगे उतना ही हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसके बाद हम राइस हस्क डालेंगे, धान की भूसी है, सब जगह मिलती है, आपके आसपास के क्षेत्रों में मिल जाएगी, और हम ये मिला देंगे 10% बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काउ डंग मैन्योर डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो पत्ती से बनी हुई खाद डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो गोबर की सड़ी हुई खाद को आप चाल करके आप उसमें मिला दीजिए। ये आपको एक बार मिलाना है, बार बार नहीं मिलाना है। बाद में जो इसमें खाद देना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको खूब मिला लेते हैं फिर आपको बताते हैं इसमें और क्या चीज़ डालनी है। देखो ये सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल मिल गई, वेल ड्रेन सॉइल है। अब इसमें चूंकि गुलाब एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, इसकी जड़ों को हमें दूर रखना है, फंगस से दूर रखना है। जब हम नर्सरी से लाते हैं तो नर्सरी वाले केवल मिट्टी में भरकर गुलाब को लगा देते हैं। देखिए इसकी मीडिया कितनी ख़राब है, इसी मीडिया में कभी गुलाब को नहीं लगाना चाहिए। अभी हम आपको इसको निकाल के दिखाएंगे। तो अब क्या करना है हमें, अब इसमें हमें नीम पाउडर मिला देना है ताकि इसमें फंगस ना लगे। ये देखिए नीम पाउडर नहीं है तो आप साफ फंगिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर नीम का पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। ये लगभग 2 चम्मच इसमें अब मैंने डाल दिया। अब इसको हम मिट्टी को फिर से मिलाएंगे। ये मिट्टी को हमने फिर से मिलाया ताकि ये नीम का पाउडर इसमें घुल जाए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, पौधे को लगाते समय आप उतना ही प्यार पौधों को दीजिए, उतना ही देखभाल कीजिए जितना आप अपने आप को करते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों मैंने मीडिया बना ली गुलाब की, बहुत बेहतर मीडिया है। अब आपको इसे कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। गमले का मैंने आपको पहले बता दिया था गमला कैसा रहेगा। अब इसको हम रखेंगे और इसको निकालने का तरीका सीखेंगे। कभी हम इसको खींच के नहीं निकालेंगे, ऐसे खींच के नहीं निकालेंगे, इसको हम ऐसे करके नहीं निकालेंगे, मिट्टी को ढीली करके नहीं निकालेंगे। थोड़ा सा हम ऐसे दबाएंगे, इसे इसको इसके बीच में उंगली डालेंगे। ये देख लीजिए आप, हाथ बदल लेते हैं क्योंकि मेरा उल्टा हाथ था ये। और इसके बाद हम इसको पुश करेंगे। अभी आप देखते रहिए थोड़ा सा, ये उसके हमने पुश किया तो सारी मिट्टी बाहर आ गई। ये देखिए इसमें भी ये भूसी पड़ी हुई है, डीकम्पोज हो गई है। भूसी का रोल आपको देखिए कितना है। ये हम इसको रखेंगे अब और यहाँ की जो मीडिया इसमें डालेंगे, ऐसे ऐसे करके मैंने डाल दिया। कहाँ तक ढकेंगे हम अभी आपको मैं बताता हूँ। मैं तो हाथ से डालना चाहता हूँ, हाथ से आप डाल दीजिए। चारों तरफ से बची हुई मीडिया को आप हाथ से डाल दीजिए। अब मैंने हाथ से डाल दिया और इसको चारों तरफ दबा देंगे।
दोस्तों इतनी जगह हम खाली रखेंगे ताकि बाद में हमें मिट्टी ऐड करना पड़े, कोई चीज़ ऐड करना पड़े तो हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पौधा छोटा है इसलिए इतनी मीडिया काफ़ी है। अब इसमें हम वाटरिंग करेंगे। वाटर करने के लिए अभी शुरुआत में हम सीधे पानी गमले से नहीं डालेंगे, मग से नहीं डालेंगे, किसी पॉट से नहीं डालेंगे, बल्कि हम इसके लिए एक स्प्रे मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए पौधे को नहलाते हुए हम पानी डालेंगे इसमें। इस मीडिया में हमने पानी डाला पौधे को नहलाते हुए। आप देखिएगा देखिएगा कितना पानी पड़ रहा है इसमें, और अभी ये पानी तत्काल सूख जाएगा। जैसे हम इसको छोड़ेंगे वैसे सूख जाएगा। देखिएगा, देखते रहिएगा इसको, अभी सारा पानी नीचे चला जाएगा। वैसे तो हमें तब तक इसमें पानी डालना चाहिए जब तक नीचे से पानी ना निकले, लेकिन हमने इतना पानी इसमें डाल दिया है कि सारा पानी देखिए बेल बेल सूख गया, बिल्कुल सूख गया। अब इसकी जड़ों में जाके ये मिल जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया पौधे को लगाने की विधि। अब 15 दिन के बाद लगातार हर हफ्ते हम इसको जो खाना खिलाएंगे, चूँकि यह नया पौधा है हमारा, इसको जो हम खाना खिलाएंगे वो हम खिलाएंगे NPK 12061। यहाँ देख लीजिए NPK 12061। आधा चम्मच हम 1 लीटर पानी में लेकर के इसमें हम डालेंगे। अगर आपके पास और पौधा है तो सब में हम डाल देंगे। ये लगातार 1.5 महीने तक चलेगा NPK 12061। इसके अलावा हम कोई भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक हमारा पौधा मच्योर नहीं हो जाता है। इसके बाद गुलाब के पौधे में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है इसका वीडियो हम आपसे अलग बना करके शेयर करेंगे समय समय पर। मैंने कहा एक सीरीज़ मेरी गुलाब के ऊपर आने वाली है। अब गुलाब में तमाम बीमारियां भी लगती हैं। पौधे को आप गुलाब के फूल को आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके अलावा पौधे में भी तमारी बीमारियां लगती हैं। तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए मैं जब भी गुलाब लगाता हूँ, मेरे पास बहुत गुलाब के पौधे, ज़रा कैमरा घुमा के दिखा दो चारों तरफ, मेरे पास गुलाब के बहुत सारे पौधे हैं, ढेर सारे पौधे हैं, लगभग 150 वैरायटी के पौधे हैं, बहुत सी संख्या में पौधे हैं गुलाब के। तो इन सभी में मैं आपको एक ही दवा का प्रयोग करना बताता हूँ, वही टोटल ऑर्गेनिक दवा है, यह है थीटा। 1 लीटर पानी में 1 ml दवा, 1 ml मेजरमेंट के तरफ से देखें तो 20 बूंद दवा आप डाल करके हफ्ते में एक बार गुलाब में इसको आपको नहलाना है, इसको स्प्रे करना है, ताकि इसमें लगने वाली बीमारियां माइस्ट, स्केल और तमाम बीमारियां, थेप्ट, तमाम बीमारियां जो होती हैं वो इसमें लग ना सकें। तो आज आपका वीडियो यही है, यहाँ तक आप देखते रहे। इतने चीज़ों का फॉलो कीजिए, मीडिया कैसे बनाएँ, गुलाब को कैसे लगाएं, शुरुआत के दौर में इसको कौन सा खाना खिलाएं और बीमारी से बचाव के लिए कौन सी दवा हम इस्तेमाल करें, ये मैंने आज आपको बता दिया है। जब भी नए नए पौधे में पानी डालें तो वो स्प्रे की सहायता से डालें, हजारे की सहायता से ना डालें। और जब भी आपको गुलाब में कोई भी दवा का प्रयोग करना, जैसे अभी तो मैंने आपको थीटा ही बताया है, अभी थीटे का प्रयोग करना है आपको, तो 1 ml दवा यानी 20 बूंद दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर इसके ऊपर स्प्रे करें, सेज बची हुई दवा को इसमें डाल दें। एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें समय समय पर फंगिसाइड का प्रयोग करें, फंगस बहुत लगते हैं। वैसे मैंने नीम एक पाउडर मिला दिया है, तो आप साफ एक पाउडर आता है फंगिसाइड, उसको लेकर के आधा चम्मच कम से कम 2 लीटर पानी में मिला करके अपने सारे गुलाब के पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। आपका गुलाब का पौधा खूब बढ़ेगा और आगे जाएगा। दोस्तों आज तक का मेरा वीडियो यहीं तक का था, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको पसंद आता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं।
ताकि हम समय समय पर आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।